زلفوں کو گرا کے پلکوں کو جھکانا سیکھا ہے کہاں سے یہ جادو چلانا नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीकाराम और आप देख रहे हैं BRB फोटो वीडियोज़। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो है ग्रीन स्क्रीन रिमूव वीडियो वेडिंग की। फ़ोटो बनाना तो अपन सीख गए, पर वीडियो बनाना तो भाई ने अभी तक बताया नहीं, बहुत से लोगों ने बताया मुझे। तो मैं आज वीडियो में ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके आपको बताऊँगा और उसमें अपना फ़ोटो जोड़ के बताऊँगा कि उसे कैसे जोड़ना है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैं बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर डालता रहता हूँ, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अमेजन से कुछ भी प्रोसेस करते हैं तो अमेजन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर चेक कीजिए और आसानी से ख़रीदारी कीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी, ओ मैंने देखा दिल हो के जुदा तुझसे रहबा। तो यहाँ से आप एक बैकग्राउंड ले लीजिए, कोई सा भी, मैं वाइट ले लेता हूँ, अगर आपको पसंद आता है वो बैकग्राउंड ले लीजिए। बैकग्राउंड लेकर आप यहाँ से ये कर दीजिए। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, जिस फ़ोटो से आपने पहले एक एक्सपोर्ट वीडियो बना रखा है उस वीडियो को आपको ले लेना है। जिस तरीके से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है तो उस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है या मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करना है। तो मैंने मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक किया और मैंने पहले एक एक्सपोर्ट फाइल बना रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसको रिमूव कैसे करना है और अपना फ़ोटो कैसे ऐड करना है। तो ये फाइल है जो मैंने सेलेक्ट कर ली है, इस तरह जो एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद में इसका बैकग्राउंड है, ग्रीन स्क्रीन है, इसको अपन को करना है रिमूव। तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, इनेबल करने के बाद में कलर सेलेक्ट कीजिए, कलर ग्रीन ले लेते हैं क्योंकि अपन को ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है। अब इसको थोड़ा सा सेट करना है, ये नीचे का बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन था, बैकग्राउंड भी चला गया है। तो इसको अपन करते हैं, यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए जो इसका ग्रीन स्क्रीन था फ़ोटो का वो रिमूव हो गया है। तो अब अपन इसको प्ले करते हैं और सबका हुआ कि नहीं हुआ या एक फ़ोटो का ही हुआ है, तो अपन प्ले करते हैं। गिरा के पलकों को झुकाना सीखा है कहाँ से ये जादू चलाना। तो दोस्तों देखिए, जो अपना बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है, तो मैं इसका साउंड है जो बंद कर देता हूँ। अब क्या करना है अपन को, इसमें अपना फ़ोटो ऐड करना है। तो मैं एक मेरा फ़ोटो ले लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए एडजस्ट कर लिया। अब इसमें मैं फ़ोटो सेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें रन कैसे कराना है इसकी फ़ोटो के साथ साथ। तो ये मेरा एक फ़ोटो है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। बहुत से लोग तो ग्रीन स्क्रीन बनाते हैं, किसी मॉडल का फ़ोटो यूज़ करते हैं, अपना नहीं करते, पर मुझे, मैं अपना ही फ़ोटो यूज़ करता हूँ। मॉडल का फ़ोटो मेरे पास अच्छे है नहीं और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, अपने से बेटर कोई मॉडल है नहीं, मेरा मानना ये है। तो क्या करना है आपको, यहाँ साबी पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा पुश कर देना और इसको प्ले कर देना और इस फ़ोटो को है जो वापस नीचे लाना है। वापस नीचे लाने के बाद में आपको क्या करना है, दोबारा इस वीडियो को थोड़ा खिसकाना है और फिर साबी पर क्लिक करना है और फिर इस फ़ोटो को यहाँ लाना है, ठीक है। ऐसे करते रहिए। अब देखिए ये हो गया, तो इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। तो अब फ़ोटो को क्या करते हैं, पूरा भेज देते हैं नीचे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ रहा है,
तो इस फोटो को वापस से अपन लेते हैं। वापस लेते हैं और वापस सभी पर क्लिक करते हैं और वापस प्लस आई फोटो को है जो यहाँ सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब दोबारा सभी पर क्लिक और यहाँ पर फोटो सेट सभी प्लस अब है जो अपन इस फोटो को देखते हैं वीडियो अपना कैसा बनाएं। तो देखिए जो फोटो है वो अंदर आ चुका है और बहुत अच्छे तरीके से जो साथ साथ में इसके रन कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह जो आप भी अपना वीडियो बना सकते हैं। अब इसको कर देते हैं लंबा और अब देखते हैं दोबारा सही से सेट हुआ कि नहीं हुआ। मैंने एक गलती कर दी कि फ़ोटो को पहले लंबा कर देना था और बाद में क्लिक करना था, तो मैं आप ऐसा ना करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो मैंने फ़ोटो सेट किया है। तो इसी तरह जो आप भी अपनी वेडिंग या किसी पार्टी की वीडियो बना सकते हैं। तो देखिए फ़ोटो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं इन सब में भी फ़ोटो सेट करके आपको बताऊंगा कि ये रन कैसे करता है और क्या प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए एक फ्रेम आ रही है, इसमें अपन को एक फ़ोटो लेना है। ठीक है, तो मैं मेरी यही फ़ोटो ले लेता हूँ। तो इसको क्या करना है, अपन को पहले तो बैक कर देना है। बैक करने के बाद में अपन को इसे करना है जूम आउट। यहाँ पर करना और फिर वो सेम वाला प्रोसेस ही करना है शाबी वाला। ठीक है, तो मैं इसको पहले तो लंबा कर देता हूँ क्योंकि पहले की तरह गलती करना नहीं चाहता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको है जो शाबी पर क्लिक करता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब शाबी और फोटो उठा दिया और थोड़ा बड़ा कर दिया। ऐसी फ्रेम आप चलाते हो तो ऐसे करते रहिए और फ़ोटो को खिसकाते रहिए। ठीक है, तो ये फ़ोटो है जो अपनी यहाँ पे लग गई है। ओके, तो अब इनमें सेट करनी है अपन को कुछ फ़ोटोज़। तो ये देखिए फ़ोटो के साथ साथ फ्रेम के साथ साथ भी फ़ोटो खिसक रही है, बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। और अगर कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपकी जो है हेल्प ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ मेरी ये वाली, कुछ ख़ास नहीं है, इसको कर देना है अपन को जूम आउट। फ़ोटो को इस तरह एडजस्ट कीजिए कि दूसरी फ्रेम में अपन के ये फ़ोटो नहीं आए। अब क्या करना है, इसके साथ साथ अपन को अब इनके अंदर एक फ़ोटो को सेट करते हैं अपन, जो हार्ट के आइकन बने हैं इसमें ये वाली कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ोटो PNG हो, मेरी फ़ोटो मैंने PNG कर रखी है पहले से, तो इसलिए PNG है। आप किसी भी आकार में हो उस फ़ोटो को सेट कर दीजिए, पर ग्रीन स्क्रीन आपकी ओके होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अपन को रिंग करना है। तो ये रिंग, अब अपन थोड़ा इसको चला के देखते हैं कि चलती है कि नहीं चलती है। तो देखिए किस तरह जो फ़ोटो रिंग कर रही है वीडियो को।
तो दोस्तों इस तरह है जो आप अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से अपने मोबाइल से ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त विकाराम बाकर।